नमस्कार, हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स में आपका स्वागत है। वसुधैव कुटुंबकम्। अयम निजः पर्वते गणना लघु चेतसाम् उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम्। अर्थात यह मेरा है, यह तेरा है, यह तो संकुचित चित वाले कहते हैं, किंतु जिनका मन चित एवं हृदय विशाल है उनके लिए यह संपूर्ण विश्व एक कुटुंब है। इस तरह हिंदू संस्कृति, चिंतन, दर्शन, धर्म में यह अति महत्वपूर्ण विशिष्टता है कि इसमें कुटुंब की मान्यता असीम है, जिसके अंतर्गत न केवल अपना ही परिवार अपितु संपूर्ण समाज, संपूर्ण राष्ट्र, संपूर्ण विश्व के प्रति भाईचारा, कुटुंबवत आचरण करते हुए संपूर्ण वसुंधरा को एक ही कुटुंब माना जाता है। हिंदू दर्शन विश्व बंधुत्व तथा सर्वधर्म संभाव का समर्थक है, जिसमें सभी के लिए सुख समृद्धि एवं शांति की कामना की जाती है। हिंदू दर्शन में प्रत्येक प्राणी में ईश्वर की ज्योति की विद्यमानता मानी जाती है और उसे अमृतस्य पुत्रः कहा गया है। इस तरह संपूर्ण वसुंधरा के समस्त प्राणी एक ही कुटुंब है। विश्व बंधुत्व की यह भावना आज भी नितांत प्रासंगिक है तथा सभी को मित्र की दृष्टि से देखने की कामना की जाती है। विश्व बंधुत्व की अभिव्यक्ति ऋग्वेद के सोमनस्य सूक्त में स्पष्ट झलकती है, जिसमें कहा गया है कि सबके संकल्प, मन तथा हृदय एक हो, सभी मिलजुल कर रहें, मिलजुल कर बात करें, सभी एक समान भावना वाले हों तथा सभी सुखी हों एवं एक दूसरे से स्नेह करें। अथर्ववेद के ऋषि कामना करते हैं कि विश्व के समस्त मनुष्य एक दूसरे से वैसे ही स्नेह करें जैसे गाय अपने बछड़े से करती है। हिंदू धर्म दर्शन में मान्यता है कि सृष्टि के प्रत्येक प्राणी, जड़ चेतन, जीव अजीव में एक ही ब्रह्म का अंश विद्यमान है। इस तरह सभी एक ही ब्रह्म के विकसित रूप हैं। चूंकि समस्त मनुष्य में एक ही ब्रह्म विद्यमान है, इसलिए प्राकारांतर में सभी मनुष्य एक ही ब्रह्म है, एक ही कुटुंब है। इसलिए समस्त मनुष्य जाति का कल्याण हो, सभी समुन्नत हो, ऐसा विशिष्ट चिंतन जो किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए न होकर संपूर्ण विश्व समुदाय के लिए किया जाता है, मात्र हिंदू संस्कृति, धर्म तथा दर्शन में ही दिखता है। इस कारण हिंदू संस्कृति, धर्म, दर्शन विश्व में सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वश्रेष्ठ है। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।